नमस्कार दोस्तों, मैं छोटा सा एक अध्यापक आप साहित्य के विद्यार्थियों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट्री, और पोएट्री का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसकी बाद में बात करेंगे। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, साहित्य के जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा से मुझे प्रिय रहे हैं, क्योंकि साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रस होता है, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार होते हैं, कितना ब्यूटीफुल लैंग्वेज है हमारी। तो इसी की चर्चा करते हुए, थोड़ा विराम देते हुए, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। देखिए, साथ ही साथ ये पोएट्री तो है, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और आप साहित्य के स्टूडेंट है, आप जानते हैं एक पार्ट होता है ऑक्टेव और दूसरा पार्ट होता है सेस्टेट, ठीक है। इसकी बात करेंगे बारी बारी से। देखिए, बेसिकली इस बार का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था उसमें दोनों क्वेश्चन आए सेस्टेट से, तो इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा दो क्वेश्चन क्या थे। क्वेश्चन नहीं पता है मेरे को, लेकिन यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा नहीं। वो तो दोनों क्वेश्चन आए सेस्टेट से, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। ब्लाइंडनेस आप सब जानते हैं, ब्लाइंडनेस क्या होता है, अंधा होना। तो ये पोएट्री है जो अंधेपन पर लिखी गई है। एक्चुअल में पोएट्री अंधेपन पर नहीं लिखी गई, एक ऐसा फेज आया मिल्टन के जीवन में जब वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया, और कंप्लीटली ब्लाइंड होने के बाद उसने एक पोएट्री, हमेशा से वो क्यूरियस था, ईगर था कि उसे हमेशा से पोएट्री लिखनी है, किसके लिए, किसकी प्रेज में, गॉड की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट एबल टू डू सो। तो स्टार्ट करते हैं कि मेन मेन की डेट्स में डाल रखी है, क्योंकि इस बार का पेपर जो आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का बहुत पुराना पेपर था जो आया, तो उसका लेवल क्या था, कहां से लाइनें उठाई गई है, तो हमें फुली प्रिपेयर्ड होना है इस बार। देखिए, ये दो तीन डेट से आपको 101% याद रखनी है फ्रेंड्स। देखिए, 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ और 1674 में मिल्टन की डेथ हो गई। इट मीन्स ही वॉज बॉर्न इन 1608 एंड ही पास्ड अवे इन 1674। देखिए, मैंने एक और डेट डाल रखी है फ्रेंड्स यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1652। यहां मैं आपको एक लिख रखा है, ब्लाइंड मतलब आप सब जानते हैं अंधा होना, और एक कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया फ्रेंड्स 1652 में, ही गोज कंप्लीटली ब्लाइंड, ठीक है। देखिए, सोनेट आप सब जानते हैं, सोनेट पैट्रगन सोनेट होती है, मिल्टोनिक सोनेट होती है, शेक्सपियरियन सोनेट होती है, तो हम इतना डीप में नहीं जाते हुए सीधा बात करते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस कौन सी सोनेट है फ्रेंड्स, पैट्रगन सोनेट। कौन सी सोनेट है, पैट्रगन सोनेट। सर, ये नाम कहां से पड़ा पैट्रगन सोनेट, उसकी भी बात करेंगे। इनकेस एक दूसरा नाम भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, इटालियन सोनेट। तो सीधा आपको क्वेश्चन देगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ टाइप ऑफ सोनेट, ऑप्शन में दे देगा आपको पैट्रगन, आपको दे देगा इटालियन, सॉरी पैट्रगन आपको शेक्सपियरियन एंड अदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पैट्रगन या इटालियन सोनेट का मतलब एक ही है, ठीक है। पैट्रगन सोनेट क्यों बोला जाता है इसको, फ्रांसिस्को पैट्रार्क, क्या नाम है, फ्रांसिस्को पैट्रार्क, इटली का पोइट था ये, इसीलिए इसको इटालियन सोनेट भी बोल सकते हैं या पैट्रगन सोनेट, दोनों का मतलब एक ही है। सो लेट्स मूव ऑन टू द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। देखिए, इसकी राइम स्कीम क्या होती है पोएम की, सोनेट की जो जनरली राइम स्कीम होती है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है, ए बी बी ए, ए बी बी ए। देखिए, सोनेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक का नाम है ऑक्टेव और एक का नाम है सेस्टेट। सोनेट कोई सी भी हो, और सोनेट आपको पता है 14 लाइंस की एक पोएट्री होती है और दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ठीक है। तो ये बात करते हैं ऑक्टेव की राइम स्कीम, मैंने लिख रखी है यहां पर ए बी बी ए, ए बी बी ए। देखिए, ये कोई सी भी सोनेट हो, चाहे से पैट्रगन हो, चाहे से शेक्सपियरियन सोनेट हो, हमेशा राइम स्कीम ऑक्टेव की रहेगी, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें राइम स्कीम कौन सी सेस्टेट की, देखिए ये बार बार अलग हो सकती है, हर पोएट्री की अलग अलग राइम स्कीम हो सकती है, किसमें, सेस्टेट में, ये सिमिलर रहेगी लेकिन सेस्टेट चेंज हो सकती है, किसी में सी डी ई हो सकता है, सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, या किसी में सी डी सी,
सी डी सी या और कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑक्टेव सिमिलर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो सीधा से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब कौन से पार्ट में राइम स्कीम चेंज नहीं होती, तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑक्टेव। तीन चार आपको कंफ्यूजन करने का ऑप्शन दे देगा, वोल्टा, सेस्टेट और ऑक्टेव, ऐसे कुछ। वोल्टा क्या होता है इसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पोएट्री स्टार्ट करें हम। फर्स्ट पार्ट है, थोड़ा हाफ पार्ट लिया है हमने। देखिए, व्हेन आई कंसिडर, देखिए पोइट बोल रहा है, आई यहां पर है खुद मिल्टन, ठीक है। व्हेन आई कंसिडर, कंसिडर का फ्रेंड्स आपको पता है सोचना, जब मैं सोचता हूं हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि किस प्रकार मेरी जो लाइट है। देखो बच्चों, लाइट का मतलब यहां पर है आईज, आंखें, रोशनी, क्या है यहां पर, रोशनी, और स्पेंट मतलब आप जानते हैं खर्च होना या खत्म हो जाना। तो मिल्टन यहां पर फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, देखिए जब मैं सोचता हूं किस प्रकार मेरी आईज की रोशनी खर्च हो गई या चली गई, इट मींस बहुत हताश है, निराश है मिल्टन, क्योंकि इसमें क्यूरियोसिटी थी अपने गॉड को सर्व करने के रूप में, और सर्व कैसे करना चाहता था, कि बस एक ही टैलेंट है जो है पोएट्री लिखना, लेकिन ये अंधा हो गया अनफॉर्चुनेटली, और इस प्रकार वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है। तो देखिए यहां पर बच्चों, लाइट यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया, अलंकार है मेटाफर। तो यहीं पे मैं आपको डिफरेंस बता दूं, एक मेटाफर होता है और एक होता है सिमिली, ठीक है। देखो दोनों में कंपेयर किया जाता है फ्रेंड्स, अगर कंपेयर बिना एज और लाइक के किया जा रहा है, देखिए अगर ये वर्ड है एज लाइक और कंपेयर किया जा रहा है, तो कौन सा है फ्रेंड्स, सिमिली, तो कौन सा है सिमिली, और यदि कंपेयर किया जा रहा है बिना एज और लाइक के, तो कौन सा है मेटाफर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन करते हैं, ईयर, देखिए ईयर का मतलब होता है बिफोर, क्या होता है, पहले, बिफोर हाफ माई डेज, इट मीन्स मिल्टन कह रहा है मेरे आधे दिनों से भी पहले, मतलब मेरी आधी लाइफ भी नहीं बीती थी कि मैं कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, ये मिल्टन आपको बोल रहा है, अपने आप से बोल रहा है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मिल्टन अपना सोरो आगे लेके जा रहा है और बोल रहा है ये संसार कैसा है, डार्क, अंधेरे भरा, वाइड, बहुत विस्तृत संसार है, ठीक है। एंड उससे पहले हम बात कर लें, देखिए एलिट्रेशन और एजोनेंस आप जानते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, एजोनेंस में वोवल साउंड रिपीटेशन होता है, वोवल साउंड, और एलिट्रेशन में हमारा रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो यहां पे डार्क ड, और आपको दिख रहा है यहां पर डेज ड ड, तो ये कौन सा है, एलिट्रेशन, आपसे सीधा लाइन दे देगा ये वाली लाइन और बोल देगा विच फिगर ऑफ स्पीच इज फाउंड इन दिस लाइन, तो आप सीधा सा आंसर दे देंगे एलिट्रेशन, ठीक है। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है, आपको पता है जब आपकी जॉब लगेगी तो 55,000 आपको मिलने वाले, ऐसे नहीं देगा कोई, आप भी जानते हैं। तो सीरियस स्टूडेंट होते हैं लिटरेचर के, पेशेंस रखेंगे। देखिए थर्ड लाइन पे रिपीट कर रहे हैं, थर्ड लाइन से स्टार्ट करें, तो दो लाइन आप समझ गए होंगे, जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखें क्यों चली गई मेरे आधे जीवन से पहले, वो भी कैसे संसार में, इस बड़े से अंधेरे भरे संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और ये जो इकलौता टैलेंट है, इकलौता टैलेंट इसके पास आप जानते हैं क्या है फ्रेंड्स, पोएटिक टैलेंट, कौन सा टैलेंट है इसके पास, पोएटिक टैलेंट, मतलब जो पोएट्री लिखने का टैलेंट इसके पास है। और जो वन टैलेंट है, जो भगवान ने मुझे एक ही टैलेंट दिया था, विच इज डेथ टू हाइड, और वो टैलेंट यदि मैं छिपाता हूं, देखो छिपाने का मतलब फ्रेंड्स यहां पर है यूजलेस हो जाना, क्योंकि मिल्टन अंधा हो गया है, यूजलेस हो गया उसका टैलेंट, तो ये किसके समान है मिल्टन के लिए, डेथ। देखो सोरो व्यक्त कर रहा है मिल्टन इन लाइंस में भी, कि जो एक ही टैलेंट भगवान ने दिया था और मैं भगवान के प्रति इतना समर्पित हूं, उनके लिए आज तक मैंने इतनी बढ़िया पोएट्री नहीं लिख सका जो मैं लिखना चाहता था, और वही टैलेंट मैं छिपा रहा हूं, मतलब मेरे किसी काम का नहीं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं क्या हो गया, अंधा हो गया। तो मिल्टन अपना दुख व्यक्त कर रहा है। देखो फ्रेंड्स
ये जो वर्ड है टैलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको बता दूं एक चीज। टैलेंट देखे पहले फिगर ऑफ स्पीच कौन से है, फन, पन। पन का मतलब होता है श्लेष अलंकार। देखिए फ्रेंड, श्लेष अलंकार क्या होता है, जब एक ही वर्ड के दो अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं, मतलब एम्बिग्यूटी होती है इनके अर्थों में, संदिग्धता होती है। ठीक है, टैलेंट के मतलब दो है। टैलेंट का मतलब एक तो है पोएटिक टैलेंट जो मिल्टन में लिखने का, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ मनी, एक पैसे की मात्रा, एक यूनिट को क्या बोलते हैं टैलेंट। इससे पहले कि आगे बढ़ू टैलेंट की, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स। देखिए एक एग्जांपल लेंगे, क्राइस्ट पैराबल। क्राइस्ट होता है ईसा मसीह और पैराबल होता है नीति कथा कहानी। ठीक है, ये बाइबल से उठाया गया है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है देखिए, एक मास्टर था, एक मालिक था, उसके तीन सेवक थे। कितने सेवक थे? तीन। तो तीनों को फ्रेंड्स वो कुछ कुछ पैसे देके जाता है। टैलेंट का मतलब यहां ले ले पैसे। जैसे एक को देता है वो 5 रुपीज, दूसरे को देता है 2 और तीसरे को 1। इट मीन्स एक को 5 टैलेंट देके जाता है नौकर को, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। और तीनों से एक्सपेक्ट करता है वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज करेंगे और उसको टैलेंट को ज्यादा टैलेंट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कम पैसे को ज्यादा पैसे में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जब वो लौटता है, मालिक लौटता है कुछ दिनों बाद, तो वो पाता है कि जो पहला जो नौकर था उसने 5 टैलेंट का तो कर दिया 10, और जो दूसरा नौकर था उसने 2 का कर दिया 4, तो दोनों ने डबल कर दिया। लेकिन जो तीसरा नौकर था वो एक टैलेंट को क्या करता है अपने छिपा देता है और वही टैलेंट सामने देता है, मालिक मैंने आपका टैलेंट बचा लिया, इसका कुछ भी नहीं किया। तो मास्टर उस पर गुस्सा हो जाता है और उसको अपने काम से निकाल देता है। तो टैलेंट का मतलब यहां पे आप समझ गए होंगे, एक तो पैसा होता है और एक क्या होता है पोएटिक टैलेंट। तो देखें, एक ही टैलेंट था और जो मेरे लिए मरने के समान है यदि मैं यूजलेस है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता। अगली लाइन पे मूव ऑन करते हैं, आई थिंक समझ गए होंगे आप। लॉज विथ मी यूजलेस, आगे वो लाइन कि एक ही टैलेंट था जिसको मैं छिपा रहा हूं, मतलब लॉज विथ मी यूजलेस, और इतना छिपाना, इस टैलेंट का छिपाना इसने मुझे कर दिया है क्या यूजलेस, कि मेरा जीवन तो बेकार हो गया, माय लाइफ हैज बिकम फ्यूटाइल। ठीक है, दो माय सोल मोर बैंड, यद्यपि मेरी जो आत्मा है, जो मेरी अंतर आत्मा है, मोर मतलब ज्यादा, बैंड मतलब झुकी हुई है। ठीक है, झुकने का मतलब यहां पे क्यूरियस होना, क्यूरियस का मतलब फ्रेंड्स उत्सुक होना, कि मेरे तो अंतर मन में भगवान थे, उनके प्रति मेरे को कुछ पोएट्री लिखनी थी, मेरी आत्मा तो उनके प्रति पूरी समर्पित थी, लेकिन मेरा टैलेंट तो यूजलेस हो गया बिकॉज आई हैव बिकम टोटली ब्लाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। तो सर देयर विद माय मेकर, देखिए जो मेरा टैलेंट था, इकलौता टैलेंट था, और जो मेरी आत्मा थी पूरी तरह समर्पित थी, क्या करने के लिए, सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, किसकी सेवा, मेरे मेकर की। देखो फ्रेंड्स, मेकर का मतलब यहां पर है गॉड, गॉड आप जानते हैं भगवान, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे सीधा पूछ लेगा व्हाट डज द पोइट मीन बाय मेकर, तो मेकर का मतलब भगवान। तो वो बोल रहा है भगवान से कि तू सर माय मेकर, मैं तो अपने भगवान को सेवा देना चाहता था अपने टैलेंट के थ्रू, लेकिन मेरी तो यूजलेस है, किसी काम का टैलेंट नहीं है, मैं क्या करूं। ठीक है, एंड प्रेजेंट, और एक तरीके से मैं प्रस्तुत करना चाहता था, क्या प्रस्तुत करना चाहता था मेरे गॉड के सामने, माय ट्रू अकाउंट, मेरी असली कहानी। अकाउंट खाता भी होता है, कहानी या समर्पण, मैं अपना पूरा समर्पितता दिखाना चाहता था बाय राइटिंग द पोएट्री, पोएट्री लिखकर किसके समर्पण है, भगवान के प्रेज में। ठीक है, लेस ही रिटर्निंग चाइल्ड, अब मिल्टन को देखिए यहां पर, लेस रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकारना, उसको एक डर है मन में कि कहीं जब वो लौटेंगे तो मुझे डांटेंगे। देखिए यहां पे ऐसा क्यों बोला गया, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि जो पैराबल में था, जो मास्टर आता है उसको डांटता है, आपको पता है किसको, जो अपने पैसे ऐसे कैसे रख लेता है टैलेंट को, उसको इक्वलाइज मतलब दुगना नहीं करता या उसको यूटिलाइज नहीं करता। तो यही डर मिल्टन को लग रहा है यहां पर कि कहीं मेरे मालिक भगवान जब मुझसे प्रश्न पूछेंगे, भाई मिल्टन तूने क्या किया, अपने टैलेंट को तूने सही से यूटिलाइज नहीं किया, तो ये डर लग रहा है मिल्टन को कहीं मुझे भगवान डांटे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं।
डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर. देखिए फ्रेंड्स, डॉथ का मतलब होता है डज, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर. मिल्टन एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने आप से पूछ रहा है, क्या गॉड एग्जैक्ट वास्तव में, क्या भगवान वास्तव में डे लेबर चाहता है, लेबर जानते मेहनत, क्या भगवान वास्तव में मेहनत करवाना चाहता है किससे. लाइट डिनाइड, डिनाई का मतलब मना करना होता है, लेकिन यहां पर मना करने की जगह बोलेंगे जिसके पास लाइट ही नहीं है, मतलब जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है. द पर्सन हु हैज बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड, ऐसा व्यक्ति इसकी आंखें चली गई, क्या भगवान उससे भी मेहनत करवाना चाहता है, ऐसा वो क्वेश्चन एक रेस करता है. आई फॉन्डली आस्क, आई मे फॉन्डली शोक के साथ, या पूछता है वो, क्या पूछता है वो क्वेश्चन, क्या पूछता है, क्या भगवान अंधे लोगों से भी उतनी मेहनत चाहता है जो वो सभी से चाहता है. देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी. इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, वो सेट में से आया, उसकी बाद में बात करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑक्टेव में हमेशा पॉइंट एक प्रॉब्लम रेस करता है हमारे सामने. ऑक्टेव जो स्टार्टिंग है 8 लाइन है, उनमें समस्या लाता है, और लास्ट की जो 6 लाइन है सेस्टेट बोलते हैं, उनमें उस समस्या का सॉल्यूशन रहता है. और वोल्टा की मैं अभी थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूँ, वोल्टा क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लैरिफाई करूंगा. उससे पहले देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम एम लगा ले, वेरी वेरी मोस्ट कर लें. जो मिल्टन के सोनेट थे पहले, इसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं था.